नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार के गोपालगंज में राजद नेता सुरेश चौधरी पर एक बाइक सवार ने गोलियां चला दी, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, सुरेश चौधरी दरवाजे के पास टहलने के लिए निकले थे, तभी एक बाइक सवार आकर उनके सीने पर गोलियों से भून दिया। बिहार के गोपालगंज में राजद नेता सुरेश चौधरी को आज दरवाजे पर टहलने के दौरान एक बाइक सवार युवक ने गोलियों से भून डाला। अपराध जगत से जुड़े रहने वाले सुरेश चौधरी को सीने में 3 गोलियां लगी है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें, सुरेश चौधरी 2 दशक से अपराध की दुनिया में थे। ट्रिपल मर्डर और इंस्पेक्टर को गोली मारने समेत कई आपराधिक मामलों में जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल राजद का नेता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि सुरेश चौधरी आज सुबह अपने दरवाजे पर टहल रहे थे, इसी दौरान बाइक पर सवार एक युवक वहां पहुंचा और पिस्टल निकालकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। फायरिंग में सुरेश चौधरी को सीने पर 3 गोलियां लगी है। गोली लगने के बाद सुरेश चौधरी मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने स्थिति नाजुक देखकर बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। इसी बीच राजद नेत्री सुनीता यादव का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। हम यहाँ आए, उनको गोली लगी है, सुनने में आ रहा है 3 गोली लगी है। ईश्वर करे कि अच्छा हो जाए, लेकिन यहाँ पे आए दिन गोपालगंज, रोज दिन किसी न किसी का गोली का ये कांड होता रह रहा है। इस पे हम सरकार को आरोप लगाते हैं कि और प्रशासन ऐसी है कि छानबीन नहीं कर रही है, और सरकार ऐसी है कि पूरा छूट दे रखी है। जो भी अपराधी घटना घट रहा है, इसका मैं पूरा विरोध कर रही हूँ और सरकार से मांग कर रही हूँ कि अगर जल्द से जल्द अपराधी न पकड़ा जाए तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। और आए दिन रोज ना रोज कोई ना कोई घटना हो रहा है, इसका हम लोग सब विरोध कर रहे हैं। मैं राजद महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गोपालगंज।